अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शाहरुख एजुकेशनल चैनल। क्लास हमारे पास मैट्रिक है, सब्जेक्ट कंप्यूटर है हमारा। हमारा जो चैप्टर है इनपुट आउटपुट हैंडलिंग इन सी प्लस प्लस, इस चैप्टर में हम इनपुट आउटपुट का पढ़ेंगे कि हम उसको किस तरह से हैंडल करते हैं सी प्लस लैंग्वेज के अंदर। सी प्लस आप लोगों को पता है कि एक लैंग्वेज है, तो आज हम इसी चैप्टर का टॉपिक पढ़ेंगे। हमारे पास टॉपिक है कमेंट्स स्टेटमेंट ऑफ सी प्लस प्लस। तो हमारे पास द कमेंट्स स्टेटमेंट इज दोज डेट आर इग्नोर बाय द कंपाइलर। दिस स्टेटमेंट डू नॉट एग्जीक्यूट थ्रू कमेंट्स। द प्रोग्रामर गिव स्पेशल रिमार्क्स टू द स्टेटमेंट फॉर देयर कन्वीनियंस। इन सी प्लस प्लस देयर आर टू टाइप्स ऑफ कमेंट स्टेटमेंट, सिंगल लाइन कमेंट्स, मल्टी लाइन कमेंट्स। कमेंट स्टेटमेंट हमारे पास एक है, इसमें ये कंपाइलर में यूज़ नहीं होते हैं, कंपाइलर इसको इग्नोर करता है, लेकिन इस और ये एग्जीक्यूट भी नहीं होते हैं। और ये जो प्रोग्रामर होता है वो इसकी स्टेटमेंट के लिए एक स्पेशल रिमार्क्स यूज़ करता है। और जो हमारे पास उसकी टू टाइप्स मौजूद हैं, एक सिंगल लाइन कमेंट्स होते हैं और एक मल्टी लाइन कमेंट्स होते हैं। तो सिंगल लाइन कमेंट्स में हमारे पास इट इज़ यूज टू अ सिंगल लाइन एक्सप्लेनेशन विद द हेल्प ऑफ अ डबल स्लैश सिंबल। इफ द प्रोग्रामर वांट टू यूज़ अ सिंगल लाइन कमेंट्स ऑन मोर देन वन लाइन, दिस मे नीड टू पुट अ डबल स्लैश ऑन ईच लाइन एट द स्टार्ट। दिस कमेंट्स आर इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर, विच मीन कमेंट्स आर नॉट एग्जीक्यूटेबल। जिस लाइन के शुरू में हमारे पास डबल स्लैश होगा वो सिंगल लाइन कमेंट्स कहलाएंगे। हमारे पास जो प्रोग्रामर होगा जब भी अपनी कोई भी कमेंट्स वगैरह स्टार्ट करेगा, लिखेगा, तो सबसे पहले वो डबल स्लैश लगाएगा हर लाइन के स्टार्ट के अंदर। कंपाइलर में इसको एग्जीक्यूट नहीं करता है और ना ही ये और ये जो स्टेटमेंट है अगर हम बगैर स्लैश के भेजेंगे तो कंपाइलर उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। लेकिन जब प्रोग्रामर कोई भी लाइन की कमेंट्स लिख रहा होगा, कोई भी न्यू लाइन के ऊपर जाएगा, तो वो इसका सिंबल ज़रूर लगाएगा। और इसके सिंबल हमारे पास शुरू में है डबल स्लैश। दूसरा हमारे पास है मल्टी लाइन कमेंट्स। मल्टी लाइन कमेंट्स की सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ यूज फॉर मल्टीपल लाइन एक्सप्लेनेशन सिंबल स्लैश स्टेरिक एंड स्लैश स्टेरिक आर नीडेड एट द स्टार्ट एंड द एंड ऑफ द स्टेटमेंट। दिस कमेंट्स आर इग्नोर बाय द कंपाइलर, विच मीन कमेंट्स आर नॉट एग्जीक्यूटेबल। जब भी आप मल्टी लाइन कमेंट्स यूज़ करेंगे, अगर आपको ज़रूरत होगी तो आप लाइन के शुरू में भी ये वाले स्लैश और हमारे पास स्टेरिक का साइन लगाएंगे और लाइन के आखिर में भी स्टेरिक और स्लैश का साइन लगाएंगे। अगर आप ये नहीं करेंगे तो कंपाइलर उसको इग्नोर कर देगा और हमारी जो कमेंट्स है उसको एग्जीक्यूट करने में मदद नहीं करेगा। फिर हमारे पास इसी टॉपिक के हवाले से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर इज करेक्ट टू द कंपेयर टू वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। तो हमारे पास जो दो वैल्यू को कंपेयर करने के लिए कौन सा हमारे पास जो साइन यूज़ हो रहा होता है, तो ये हमारे पास इक्वल का साइन यूज़ हो रहा होता है, तो हमारे पास सी आएगा। इसके बाद स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी ऑफ सी प्लस प्लस इज डैश, तो इसमें हमारे पास आएगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास स्टेटमेंट टर्मिनेटर। स्टेटमेंट टर्मिनेटर क्या होता है, तो ये आपके पास एक साइन मौजूद है जिसे सेमी कॉलन बोला जाता है। Every statement in C++ must be terminated with semicolon C. It indicates the end of the statement and it is also called statement terminator. हम जब भी अपनी जब आप स्टेटमेंट टर्मिनेटर हमारे पास जब भी आप यूज़ कर रहे होंगे तो उसमें आप लास्ट में एंड में आप सेमीकॉलन लगाएंगे। इससे क्या होगा, पता चल जाएगा कि आपकी लाइन यहाँ से टर्मिनेट हो रही है। तो ये चीज़ को हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर बोलते हैं। इसी टॉपिक के हवाले से अपना एमसीक्यूज देख लेते हैं। कमेंट्स आर इंक्लूड इन प्रोग्राम टू प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन फॉर ह्यूमन रीडर एंड इट्स डिनोटेड बाय डैश। जब भी आप अपना कोई भी प्रोग्राम अपना बना रहे हैं, कोई भी लाइन इंक्लूड कर रहे हैं और रीडर उसको रीड कर रहा है, तो वो किससे डिनोटेड किया जाता है, ए स्लैश, बी डबल स्लैश, सी स्टेरिक और हैश, और डी हमारे पास नन। तो ये हमारे पास डबल स्लैश से इसको डिनोटेड किया जाता है।
फिर हमारे पास रैशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज हो रहे हैं, तो ये हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, रैशनल और लॉजिकल ऑपरेटर्स होते क्या हैं। द रैशनल ऑपरेटर आर यूज टू कंपेयर वैल्यू फॉर्मिंग रिलेशन एक्सप्रेशन। द लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज टू कनेक्ट रिलेशन एक्सप्रेशन टुगेदर यूजिंग द रूल ऑफ फॉर्मल लॉजिक। बोथ टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन प्रोड्यूस ट्रू और फॉल्स रिजल्ट इन सी फॉल्स इन द जीरो व्हाइल एनी नॉन जीरो नंबर इज ट्रू। However, the logical and relation expression produce the value 1 for true and the value 0 for false. Rational और logical operator हमारे पास value रखते हैं, इनके पास ये हमारे पास forming relation expression होते हैं relation operator के, और logical operator जो हमारे पास होता है उसके हमारे पास दो rules होते हैं जिसे हम true and false बोलते हैं। ये हमारे पास logic के ऊपर depend करता है। अगर हमारे पास फॉल्स की वैल्यू इन्होंने हमें जीरो बताई है और ट्रू की वैल्यू हमारे पास वन होती है, तो ये हमारे पास रैशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स कहलाते हैं। हमारे पास रिलेशन ऑपरेटर्स में जो साइंस मौजूद होते हैं वो ये देखें आप, एक ग्रेटर देन का साइन है, एक लेस देन का साइन है, एक हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, एक लेस देन इक्वल टू का साइन है हमारे पास, एक इक्वल टू का साइन है और एक हमारे पास नॉट इक्वल का। ये हमारे पास रिलेशन ऑपरेटर है, मतलब इनका दो नंबर के साथ आपस में रिलेशन शो करना हमारे पास रिलेशन ऑपरेटर कहलाता है। अगर आपने फॉर एग्जांपल आपने फाइव ग्रेटर देन का साइन फाइव लिखा है, फाइव ग्रेटर देन सिक्स, तो ये आप किसी भी दो नंबर के दरमियान कोई रिलेशन शो करें। जब किसी दो नंबर के दरमियान रिलेशन शो करने वाले ऑपरेटर्स की बात होती है तो ये तमाम ऑपरेटर यूज़ किए जाते हैं, चाहे वो ग्रेटर देन हो, चाहे वो लेस देन हो, चाहे वो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन हो या नॉट इक्वल का साइन हो। उसके बाद हमारे पास है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में हमारे पास ये जो हमारे पास एंड और नॉट है, हमारे पास तीन तरह के लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। एक हमारे पास एंड का साइन होता है जिसे हम प्लस का साइन भी बोलते हैं, एक हमारे पास और का साइन है और एक हमारे पास नॉट का साइन है। तो ये हमारे पास ये लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। जब हमारे पास किसी एक्सप्रेशन में कोई लॉजिक लगानी होती है कि देखते हैं कि कोई चीज़ आपस में प्लस हो रही है, माइनस हो रही है या मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो फिर जब जाके हम ये वाले साइन यूज़ करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स के। इसी हिसाब से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लेते हैं अपने टॉपिक के हवाले से। इक्वल ऑपरेटर बिलोंग टू विच टाइप ऑफ ऑपरेटर, ए रिलेशनल, बी लॉजिकल, सी अर्थमेटिक और डी नन। तो इसमें हमारे पास आएगा ए रिलेशनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल।